अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कुकिंग डिशेज विद अंजुम। आज हम बना रहे हैं तलबीना। ये बहुत ही हेल्दी खीर है और इसका जिक्र तिब्बे नबवी में भी किया गया है। ये खीर कमजोरी दूर करती है, डिप्रेशन और स्ट्रेस को दूर करती है, ताकत का खजाना है और सहरी में खाने से बहुत ताकत देती है, उदासी दूर करती है, बीमार के दिल के गम और कमजोरी को यूं उतार देती है जैसे कि चेहरे से पानी को धोकर इससे गंदगी निकलता है। इसके लिए हमें चाहिए 1.5 लीटर हमने दूध लिया है, 100 ग्राम जौ लेंगे, इसे हमने ओवरनाइट सोक करके रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। 15 से 20 खजूर लिए हैं, इसके हमने बीज निकाल दिए हैं। बादाम, चारोली और पिस्ता लेना है आपको। दूध को उबलने देंगे, जब दूध में उबाल आ जाएगा तब हम इसके अंदर जौ डालेंगे जिसे हमने सोक करके रखा था। मिक्स कर ले इसे और 40 मिनट तक इसे हम लो फ्लेम पे पकाएंगे जब तक जौ अच्छी तरह से सॉफ्ट ना हो जाए। जौ के गलने तक हम इसे पका लेंगे। ब्लेंडर जार में हमने खजूर डालना है, पूरे ड्राई फ्रूट्स डाल दें और दूध डालकर आप इसका एक थिक पेस्ट बना सकते हैं। जौ गलने के बाद में ये खजूर का पेस्ट इसमें डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये खीर को आपको नीम गरम खाना है, खाली पेट खाएंगे तो बहुत बेशुमार फायदे हैं इसके। इलायची पाउडर डालेंगे 1/2 TSP, मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। जब दूध गाढ़ा हो जाएगा तब हम गैस बंद कर देंगे। तलबीना जब नीम गर्म रहेगा तब हम इसमें शहद डालेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से शहद डालकर इसे मिक्स कर सकते हैं। हमने 1/2 कप शहद डाला है इसके अंदर। चॉप ड्राई फ्रूट्स डाल दें और मिक्स कर सकते हैं। ये तमाम अमराज के लिए बहुत ही अनोखा टॉनिक है। इसे आप बादाम के साथ में गार्निश कर ले और सर्व कीजिए। इसके लिए हमें चाहिए 1 ग्लास हमें दूध लेना है, 10 से 12 हमने ज़ाफ़रान लेना है, 1 टेबलस्पून चॉप बादाम लिया है हमने। ज़ाफ़रान का आपको बहुत अच्छी क्वालिटी का लेना है, आपको इसका ध्यान देना है। 1 पिंच इलायची पाउडर लेंगे, 1 टेबलस्पून शक्कर लेना है, इसके बदले में आप शहद भी यूज़ कर सकते हैं। पतीले में हमें पूरे इंग्रेडिएंट्स डाल देना है, इसे हम लो फ्लेम पे पकाएंगे। ज़ाफ़रान के दूध के बहुत सारे फ़ायदे हैं, ये अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो आप इसे रात को 1 ग्लास दूध पी लेंगे तो बहुत अच्छी नींद आएगी। हार्ट के लिए, अस्थमा के लिए, एलर्जी के लिए, फीवर, कोल्ड, ये सब के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो इसे ठंडी में बहुत अच्छी तरह से हमें यूज़ करना चाहिए। दूध के हमें येलो होने तक इसे अच्छी तरह से पका लेना है। देखिए दूध कितनी अच्छी तरह से येलो कलर आ गया है इसमें। अब हम गैस बंद कर देंगे और केसर दूध बन के तैयार है। इसे हम ग्लासेस में डाल देंगे। ज़ाफ़रान के साथ में हमें गार्निश कर लेना है। इसके लिए हमें चाहिए 2 इंच अदरक का टुकड़ा लेना है, 8 लहसुन की कलियाँ लेंगे, 1 छोटा कांदा लेना है, धनिया पाउडर लेंगे 1 TSP, 2 हरी मिर्च लेना है, 2 तेज़पत्ता लेंगे, घर की पिसी हुई हल्दी लिया है हमने 1/2 TSP, 4 हरी इलायची लेना है, 4 लौंग लेंगे 1/2 TSP, अजवाइन लेना है 1/4 TSP, कलौंजी लेंगे, 1 दालचीनी लेना है और 1 TSP हमने काली मिर्च लिया है। हाफ़ केजी हमने नली लिया है, आप गोश्त की हड्डी भी ले सकते हैं या गोश्त भी ले सकते हैं सूप बनाने के लिए। 2 ग्लास पानी डालेंगे इसमें, पूरे इंग्रेडिएंट्स डाल देना है इसमें। कवर करके हमें इसे प्रेशर कुक करना है और इसे लो फ्लेम पर हमें 1 घंटे के लिए पकाना है। 1 घंटे के बाद हम ढक्कन खोल के चेक कर लेंगे। गोश्त को चेक कर लेना है, देखिए कितनी अच्छी तरह से ये गल चुका है। अब हम इसे छान लेंगे, सूप को छान लेना है और इसके स्पाइसेस को निकाल देना है।
गोश्त के पीसेस को आप सूप में डाल देंगे। इसे हम डिश आउट कर लेंगे और कोथमीर के साथ में गार्निश कर लेना है। के लिए हमें चाहिए 3 पाया लिया है हमने, इसे हमने धो के साफ करके रख लिया है। 3 टेबलस्पून घी लेना है। हल्दी लेंगे 1/2 TSP, धनिया पाउडर 1/2 TSP, नमक 1 TSP, अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे। 2 हरी मिर्च लेना है। 2 तेज़पत्ता लेंगे। 3 हरी इलायची, 8 काली मिर्च लेना है। 3 लौंग लेंगे और 1 दालचीनी का छोटा सा हमने टुकड़ा लेना है। कोथमीर लेंगे। 1 कांदा लिया हमने, इसे चॉप करके रख लिया है। कुकर में पहले हमने घी डालना है। घी गर्म होने के बाद में इसके अंदर हम पूरे खड़े गर्म मसाले डाल देंगे। इसमें कांदा डाल दें और सॉफ्ट होने तक हम इसे पका लेंगे। पूरे स्पाइसेस डाल दें इसके अंदर, मिक्स कर लेंगे इसे अच्छी तरह से। पाया डाल देंगे, मिक्स करेंगे इसे अच्छी तरह से। 1 ग्लास पानी डालना है आपको इसमें, इससे ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, आपको इसका ध्यान देना है। कोथमीर डालेंगे, मिक्स कर ले इसे अच्छी तरह से और कवर करके हमें इसे मीडियम फ्लेम पे 1/2 घंटे के लिए पकाना है। 1/2 घंटे के बाद ढक्कन निकाल देंगे। पाए को हम चेक कर लेंगे अच्छी तरह से गला है या नहीं। अच्छी तरह से पाया गल चुका है। अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे। हमने 4 कप पानी डाल दिया है इसके अंदर, आप अपने हिसाब से कितना भी पानी डाल सकते हैं। मिक्स कर ले इसे अच्छी तरह से और लो फ्लेम पे हम इसे 5 मिनट पकने देंगे। जब इसमें उबाल आ जाएगा तब हम गैस बंद कर देंगे। पाए का सूप तैयार है। आधा किलो हमें देसी मुर्गी लेना है, इसे हमने धो के साफ करके रख लिया था। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे, नमक लेंगे और 1/2 TSP हमने हल्दी लिया है, ये घर की पिसी हुई हल्दी है। 1/2 TSP काली मिर्च लेना है। 1 टेबलस्पून धनिया लेना है। ज़ीरा लेंगे 1 टेबलस्पून। 1 बड़ी इलायची लेना है। 1 दालचीनी लेना है। 5 लौंग लेंगे। 1 बड़ा कांदा लेना है। ये हमने टी बॉल इन्फ्यूज़र लिया है, आप इसे ऐसे भी पानी में डाल के उबाल सकते हैं। ये पूरे स्पाइसेस को हमने इसके अंदर डाल दिया है। इसे हम बंद कर लेंगे। पानी उबलने के लिए रखा है इसमें, इसमें इन्फ्यूज़र डाल देना है। कांदा डाल देंगे। हल्दी, नमक और अदरक लहसुन भी डाल देना है इसमें। चिकन डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर ले और इसे हम मीडियम फ्लेम पे इसे पकाना है। 1 घंटे के लिए हम इसे पकाएंगे। आपको इसे प्रेशर कुक नहीं करना है, आपको इसका ध्यान देना है, इसलिए हम इसे तपेले में बनाएंगे। 1 टेबलस्पून इसमें घी डालना है। चेक कर ले, चिकन अच्छी तरह से गल चुका है। इसे हमने 1 घंटा पकाया है मीडियम फ्लेम पर। ये सूप बनके तैयार है, इसे आप इसके लिए हमें चाहिए 1/2 किलो हमने घी लिया है, इसे हम स्मॉल बैचेस में यूज़ करते जाएंगे। 1/2 किलो बादाम लेना है,
इसे हम लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। हर ड्राई फ्रूट को आपको सेपरेटली फ्राई करना है और लो फ्लेम पे फ्राई करना है ताकि अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाए। अब हम इसे निकाल देंगे और साइड में रख लेंगे। पिस्ता लेना है 200 ग्राम, इसे भी हम फ्राई करेंगे। दो सौ ग्राम हमने किशमिश लिया है, इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, सिर्फ एक मिनट के लिए हम इसे फ्राई कर लेंगे। अखरोट लिया है 200 ग्राम, फ्राई करके हम इसे साइड में रख लेंगे। काजू लिया है 200 ग्राम, आपको तेल यूज़ नहीं करना है, घी में हम इसे फ्राई करेंगे पूरे ड्राई फ्रूट्स को। चार मगज़ लेंगे 100 ग्राम, इसे कलर चेंज होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। लाइट गोल्डन हो गया है, देखिए अब ये चटकने लगा है। हम इसके अंदर 100 ग्राम ग्रेटेड कोकोनट डालेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लें। आप चाहे तो खचखच भी इसी में डालकर इसे रोस्ट कर सकते हैं। देखिए कलर चेंज हो गया है इसका। अब हम इसे निकाल देंगे और पतीले में निकाल देंगे। पूरे इंग्रेडिएंट्स को आपको ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करते जाना है और इसे पतीले में निकालते जाएंगे। 100 ग्राम मखाना लिया है हमने, इसे हम क्रिस्पी होने तक मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे और स्मॉल बैचेस में से फ्राई करना है, एक साथ फ्राई नहीं करेंगे। देखिए इसका कलर चेंज हो गया है, ये सेकेंड बैच है, इसे भी हम फ्राई कर लेंगे। इस तरह से हम इसे चेक करेंगे, किचन टेबल पे लेके हम इसे प्रेस करना है। देखिए कितना अच्छा क्रिस्पी हो गया है, ये यानी कि अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। घी गरम करके हमें आधा किलो हमने रवा लिया है, सूजी लेंगे और इसे लो फ्लेम पे हम इसे कंटिन्यूसली चम्मच चलाते हुए इसे रोस्ट करना है। जैसा कलर चेंज हो जाएगा, इसमें से खुशबू आने लगेगी, तब हम इसे आधे घंटे के लिए हमने इसे टोटल फ्राई किया था। रवे को पतीले में निकाल देंगे, मिक्स कर लें इसे अच्छी तरह से। हाई फ्लेम पे हमने गोंद को फ्राई करना है, स्मॉल बैचेस में से फ्राई करेंगे। देखिए अच्छी तरह से फूल चुका है, जब ये अच्छी तरह से फूल जाएगा तब हम इसे निकाल देंगे और साइड में रख लेंगे। पूरे गोंद को इसी तरह से हमने फ्राई करना है। 150 ग्राम हमने गोंद लिया है, अब हम इसे क्रश कर लेंगे। पूरे गोंद को एक साथ फ्राई कर लें, इसके बाद हम एक साथ इसे क्रश करेंगे। इसे हम पतीले में निकाल देंगे। मिक्स कर ले अच्छी तरह से। देसी खंड लिया है हमने आधा केजी, या टगार भी ले सकते हैं। डायबिटिक लोगों के लिए आप इसे अवॉइड कर सकते हैं, बिना शक्कर टगार के आप इसे बना लें डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। पूरे इंग्रेडिएंट्स को आपको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। दो टेबलस्पून इलायची पाउडर लेंगे, वाइट पेपर लेना है 1 टेबलस्पून, हल्दी लेना है 1/2 टेबलस्पून। हल्दी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए हम इसे डाल रहे हैं। 1 टेबलस्पून सौंठ पाउडर डालेंगे। खसखस को हमने 2 टेबलस्पून लिया है, इसे भी हमने ड्राई रोस्ट करके रख लिया था। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। आप इसे एयरटाइट डब्बे में स्टोर करके रख सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए
8 काजू लेंगे, 3 खजूर लेना है, इसमें बीज निकाल देंगे, 3 अखरोट लेंगे, 10 बादाम लेना है, 10 पिस्ता लेंगे, 6 किशमिश लेना है, ज़्यादा किशमिश नहीं लेना, आपको ध्यान देना है, 3 सूखे हुए हमने अंजीर लेना है, 1 टेबल स्पून शहद लेंगे, 1 पिंच इलायची का पाउडर लेना है और 1 गिलास हमने चिल्ड दूध लेना है, गर्म दूध नहीं लेंगे, आपको उसका ध्यान देना है। पूरे ड्राई फ्रूट्स को आपको ब्लेंडर जार में डालना है और बिना पानी या दूध के हमें इसे ब्लेंड करना है और पाउडर फॉर्म बनाना है। अभी पाउडर फॉर्म बन गया, इसके अंदर हम आधा कप दूध डालेंगे और इसे ब्लेंड करके हमें फाइन पेस्ट बनाना है। इलायची पाउडर डाल देंगे इसमें, शहद भी डाल देंगे, फिर से हम इसे ब्लेंड कर लेंगे। बचा हुआ चिल्ड दूध डाल देंगे इसमें, फिर से ब्लेंड कर लें। मिल्कशेक बनके तैयार है, इसे हम सर्व कर लेंगे ग्लास में। चॉप बादाम के साथ में इसे गार्निश कर लें, चिल करके सर्व कीजिए। और ड्राई फ्रूट मिल्कशेक बनके तैयार है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।